स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट अलाइसम के बारे में बात करूंगी, उसकी पूरी जानकारी दूंगी, उसको आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए और उसको कितना पानी चाहिए, उसको कैसे आप प्रोपगेट करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको अलाइसम फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी। तो शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो चलिए आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अलाइसम के फ्लावर्स हैं। विंटर का एक बहुत सुंदर और छोटा फ्लावर है जो है वो क्लस्टर्स में जो है ये देखिए निकलता है, ये डंडियों के ऊपर, और इसके ये गमले जो हैं ये पूरे आपके जो हैं इसके गुच्छों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है देखने से जैसे कि फ्लावर्स की बेड सी बिछी हो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलाइसम का जो नेटिव कंट्री है वो आपका यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका है। ये इंडिया में हमारे ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये छोटा फ्लावर्स है, तो फ्रेंड्स इसको आप बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए, छोटे से पॉट में। ये देखिए, सीज़न में ये पूरा पॉट आपका अलाइस फ्लावर से भर गया है। कितने छोटे छोटे फूल हैं और ये देखने में कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे, आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएंगे तो भी ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अलाइसम जो है वो आप इसको ग्राउंड बेड की तरह भी लगा सकते हैं। जो आपके घर में खाली जगह हो उसमें, गार्डन में, उसमें अगर आप इसके बीज को डाल दें तो ये पूरी आपकी जगह को घेर लेता है और ऐसा लगता है जैसे स्नो की बेड सी बिछी हो, तो बहुत खूबसूरत लगता है जितना छोटा ये फ्लावर है। अलाइसम फ्लावर जो है वो बीज से प्रोपोगेट किया जाता है, इसकी कलम नहीं लगती है। कलम से चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो बीज से प्रोपोगेशन है वो ज़्यादा इसका सक्सेसफुल रहता है। फ्रेंड, मुझसे जो है गार्डन के जो कई मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा कि हमारे जो बड़े बड़े गमले हैं जिनमें कि फ्लावर्स लगे हुए हैं उनके चारों तरफ जो है वो जगह खाली रहती है, तो हम लोग जो हैं उसको कैसे भरें, वो गमले खाली खाली रखते हैं। तो मैंने उनको बताया कि विंटर्स में अगर उन जो गमले आपके खाली हैं उसके चारों तरफ की जो खाली जगह है उसमें आप अलाइसम के बीज डाल दीजिए, तो ये पूरे जैसे आपका बीच में से कोई प्लांट निकल रहा है उसके चारों तरफ ये अलाइसम लगा हुआ है तो नीचे का हिस्सा भी आपका वाइट वाइट हो जाएगा। तो ये चार पांच तरीके हैं जिससे कि हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब मैं इसकी क्लाइमेट के बारे में बात करूँगी। तो ये फूल भरे जाड़े में, जो इस समय हमारे यहाँ जनवरी की ठंड पड़ रही है, उसमें भर के और पूरा गुच्छों में भर के खिलता है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, भर के गुच्छों की तरह खिलता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गर्मी की ओर जाता जाएगा, फरवरी आता जाएगा, मार्च आता जाएगा, वैसे वैसे हमें इसे थोड़ी छाया भी देना पड़ेगा। अब अगर हम इसके वाटरिंग की बात करें तो जब आप ये देखें कि छोटे गमलों में गमला सूख गया है तभी देखिए पानी दीजिए। ये देखिए जो मेरे गमले हैं इसकी सॉइल देखिए कितनी सूखी हुई है, ये देखिए सॉइल कितनी सूखी हुई है। अब मैं इसमें आज भी पानी नहीं दूंगी, कल भी नहीं, मैं इसमें परसों पानी डालूंगी, क्योंकि क्या होता है कि ये छोटे पौधे हैं, इनकी नाजुक जड़ें हैं और इनको टाइम पीरियड भी कम मिलता है। इसमें अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो इनकी जड़ें इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो नीचे से सड़ जाती हैं या उसमें फंगस लग जाता है, तो उससे जो है इसमें रूट रॉट की समस्या हो जाती है और ये फ्लावर आपका मर जाएगा। तो जब बिल्कुल सॉइल सूखी हो तब आपको पानी देना है। अब बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये भी कहते हैं हम इसे पैसे के लिए क्या करें, तो मुझे तो आज तक अपने अलाइसम के, मैं हर ईयर में लगाती हूँ, मुझे तो कभी कोई पेस्ट अपने फ्लावर्स में नहीं दिखाई दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि और गमलों के पास रखे हैं और इनमें पेस्ट आ सकते हैं, तो आप नीम स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं, सर्फ में थोड़ा सा सोडा मिला के उसका स्प्रे कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से यह एलाइसम फ्लावर अपने आप खिलता रहता है, लेकिन छोटे रूप में जैसे कि आपका पोटोलोका होता है उस तरीके से आप देखें तो ये प्लांट छोटा होते हुए भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं अभी अपने गार्डन में आपको दूसरे एरिया में ले जा कर दिखाती हूँ कि ज़मीन मेरे यहाँ खाली पड़ी थी उसमें मैंने किस प्रकार से इन एलाइसम की फ्लावर बेड लगाई है और इनको बोया है। तो चलिए आइए उधर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे गार्डन में ये जगह जो थी ये खाली पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने अक्टूबर के महीने में एलाइसम के बीज डाल दिए थे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत एक छोटा सा पैच है और इसमें ये पूरी फ्लावर बेड एलाइसम की बिछ गई है और देखने में ये कितनी ही खूबसूरत लग रही है आप अगर देखें तो। तो छोटे फूल भी हमारे गार्डन में बहुत अधिक सुंदरता लाते हैं और इनको ये लो मेंटेनेंस होते हैं, इनमें कोई मेहनत भी नहीं होती है और देखने में भी बिल्कुल स्नो की तरह ये बेड लग रहा है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में एलाइसम को लगाइए और आप जिस चाहे फ्लावर बेड के रूप में, चाहे गमलों में लगाइए, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए और अपने गार्डन की ब्यूटी बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये फ्लावर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।